थैंक यू जिग्नेश सर, आई होप मेरी आवाज सबको एकदम क्लियर आ रही होगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत टाइम बाद आज जूम पे शेयरिंग करने का मौका मिला है। ज्यादातर आजकल फील्ड वर्क शुरू होने के बाद जूम पे काफी कम आते हैं। सो मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम कल्पेश उठलानी है, बाई क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और 2015 में सीए क्वालिफाई होने के बाद 4 साल कॉर्पोरेट जॉब किया, फिर प्रैक्टिस भी किया, और आज से जैसे सुचिता मैडम ने बताया 14 महीने पहले जिग्नेश भवानी सर ने फोन किया था कि कल्पेश भाई एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है और इन्हें जिग में एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मेरा सबसे पहला उनको एक सवाल था कि सर आपको लगता है 3 लाख का डिवाइस कोई लेगा? तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से बोला था कि कल्पेश भाई मुझे नहीं पता है दूसरे लोगों के, लेकिन आप जरूर लेंगे वो मुझे पता है, लेकिन आपको एक बार डेमो देखना पड़ेगा। और ऐसा बोलने के बाद मुझे लगा कि अच्छा ऐसा क्या है कि वो बोल रहे हैं कि आप जरूर लेंगे लेकिन आपको सिर्फ एक बार डेमो देखना पड़ेगा। तो शायद उनका वो कॉन्फिडेंस था जो उनकी वजह से मैं उनको मिला और पूरा प्रोजेक्ट देखा। तो जिनको आज हम सुनने वाले हैं, नागेश्वर शुक्ला जी, वो तब सूरत से आते थे मुंबई, पानी भी वहां से लेके आते थे, और पूरा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। और पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद पता चला कि जो हम शायद सोच रहे थे उससे ये काफी डिफरेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम सुनते हैं ना तो हमारा एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। जैसे मार्केट में आज पर्सपेक्टिव होता है कि सीए में तो लोग फेल हो जाते हैं। अब ये पर्सपेक्टिव भी है और सही भी है, लेकिन सब फेल नहीं हो जाते, कुछ परसेंटेज फेल होते हैं, कुछ परसेंटेज पास भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम हमारे बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? नहीं यार, सीए बनेंगे, अच्छा है, रिस्पेक्ट है, सोसाइटी है। तो एक इंसान ने वो भी बताया कि यार हर कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता। तो मैंने उनको काउंट करके बताया कि मुझे कोई भी एक ऐसा फील्ड बताओ जहां पर हर कोई सक्सेसफुल हो जाता है। चाहे आप क्रिकेट ले लो, कितने बच्चे भारत देश में क्रिकेट खेलते हैं, कितने यंग लोग क्रिकेट खेलते हैं, कितना मेहनत करते हैं, रोज करते हैं। क्या हर क्रिकेटर इंडिया के लिए खेलते हैं? कितने ऐसे क्रिकेटर हैं जो सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेलते हैं या सिर्फ आईपीएल खेल के रिटायर हो जाते हैं? वो टॉप जो इंडिया 11 है वहां तक शायद कभी नहीं पहुंचते, राइट? आप बताइए कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं इंडिया में? बहुत लोग खेलते हैं। क्या सब लोग नेशनल इंटरनेशनल टीम में जाते हैं? नहीं जाते हैं। मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करता था, वहां पे भी कहते हैं कि 90-95% लोग का पैसा डूब जाता है, सिर्फ 5% लोग पैसे बनाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी 5% है, क्रिकेट में भी 5% है, शायद टेनिस में भी 5% है, टेबल टेनिस में भी 5% है, स्विमिंग में भी 5% है। तो आप कोई भी दुनिया का फील्ड लोगे, वहां पे 5 से 10% लोग ऐसे रहेंगे जो अल्ट्रा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जब हमें लाइफ में कुछ भी काम करना होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ वो 5% लोगों का एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं, कभी हम 95% लोगों का एग्जाम्पल लेके शुरू नहीं करते। अच्छा, वहां तक कि जब स्कूल और कॉलेज में एडमिशंस होते हैं उसके पहले वैकेशन पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं कि हमारी स्कूल से ये 3 बच्चों ने टॉप किया, ये 10 लोगों ने टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप, कॉलेज टॉप। या क्लासेस वाले क्या लगाते हैं, हमारे क्लासेस के बच्चों ने टॉप किया, इतना परसेंटाइल, इतना परसेंटेज। तो जब हम हमारे बच्चों को स्कूल या कॉलेज में भेजते हैं तो क्या हम बाकी के 95-97% को देखते हैं कि 3% को देखते हैं? क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि जब हम हमारे बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, करियर डिसाइड करते हैं तो 97-95% लोगों को देख के करते हैं कि हम टॉप 5% लोगों को देख के करते हैं? अगर आप अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? सचिन जैसा बन, सहवाग जैसा बन, विराट कोहली जैसा बन, सही है? तो आप टॉप लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। बिजनेसमैन बनना है तो किसका एग्जाम्पल देते हैं? मुकेश अंबानी जैसे बनो, धीरूभाई अंबानी जैसे बनो, राइट? किसी ने अपने बच्चे को बोला विजय माल्या जैसा बन? विजय माल्या भी सक्सेसफुल थे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। समझने का ये कोशिश करो कि हम हमेशा सक्सेसफुल लोगों का उदाहरण देना चाहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो हर चीज में ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर वो आग होती है, जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है, जिनके अंदर वो कुछ कर दिखाने की भावना होती है, और उनके अंदर एक स्ट्रांग बिलीफ होता है कि मैं कुछ करूंगा तो आगे बढ़ूंगा। तो इसीलिए शायद टॉप 5% लोग हर फील्ड में, आप दुनिया का कोई भी फील्ड ले लीजिए, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे स्टॉक मार्केट, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, क्या हर आदमी का सैलरी महीने का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख है? नहीं है। लेकिन क्या कुछ लोगों का है? क्या
क्या कुछ लोगों का महीने का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, महीने का 50 लाख भी सैलरी है ना, आपका क्यों नहीं है? सिंपल सा सवाल है। भगवान ने उनको भी 24 घंटे दिए, आपको भी 24 घंटे दिए, उनको भी सेम टाइम दिया, आपको भी, आप भी सेम 8 घंटे काम करते हैं, और आपका मैनेजर, आपका सीईओ, आपका सीएफओ भी 8 घंटे काम करता है, लेकिन आपसे कई गुना ज्यादा वो पैसे कमाता है। तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस है? आप में और उसमें सोच का डिफरेंस है, राइट? तो बिलीफ, एक मैंने कहानी सुनाया था आपको, एक बार 1 मिनट में फिर से सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे 5 ही मिनट बोला गया था, कि एक विश्वास होता है, एक बिलीफ होता है, और एक होता है ट्रस्ट। हम लोगों को बोलते हैं कि मुझे तुझ पर ट्रस्ट है, लेकिन हम कभी बिलीफ की बात करते हैं तो वो क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे एक बैलेंसर था, जो लोग पता है एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाते हैं, या वो डोरी बांधते हैं, बीच में एक रस्सी बांधते हैं, और रस्सी के ऊपर पैर रख के चलते हैं, और हाथ में एक बड़ा सा स्टिक लेते हैं, बंबू लेते हैं, ताकि वो बराबर से बैलेंस कर पाए। तो एक इंसान ने, नीचे शायद बहुत गहरी खाई थी, और एक साइड में, दो साइड में पर्वत थे, वहां पे डोरी बांध के वो इंसान चला, तो यहां से वो वहां तक गया, वहां से यहां तक आया, और बीच में हर बार लोगों को डर लगता था कि ये गिर जाएगा, गिर जाएगा। ऐसा उसने एक बार किया, ऐसा उसने 2 बार किया, ऐसा उसने 3 बार गया, 3 बार आया, और फिर आने के बाद लोगों ने बहुत तारीफ किया कि अरे यार, आप तो क्या बैलेंसिंग करते हैं, मजा आ गया, आप सुपर है, ये है, बहुत तारीफ किया। तारीफ करने के बाद उसने एक सवाल पूछा कि क्या आपको पक्का यकीन है कि मैं अगर फिर से जाऊंगा तो फिर से वापस आ पाऊंगा बिना गिरे? क्या लगता है लोगों ने क्या जवाब दिया होगा? उसने 5 बार करके दिखाया, जाके आके, जाके आके, और उसने लोगों को सिर्फ एक सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैं फिर से जाऊंगा और फिर से आऊंगा, तो आपको मेरे पर ट्रस्ट है कि मैं कर पाऊंगा? अगर आपको लगता है कि हाँ बोला होगा लोगों ने, तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए। देखिए, थोड़ा पार्टिसिपेशन रहेगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, और हमको तो नागेश्वर सर को सुनना है, और मैं शायद उनका वो ट्रायल करवा रहा हूँ, क्योंकि वो आपसे इतना चैट करवाएंगे कि आप खुद भी थक जाएंगे, लेकिन थकना नहीं है, इसलिए मैं ट्रायल करवा रहा हूँ आपसे। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस, शायद यूट्यूब में भी देख लेता हूँ, यस वहां पे भी लिख रहे हैं, राइट? उसका मतलब है कि हमें उस इंसान पे विश्वास है कि वो कितने भी बार जाएगा, कितने भी बार आ सकता है, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसकी वो प्रैक्टिस है, राइट? तो सभी लोगों ने वाहवाही की, और सभी लोगों ने बोला यार तुम तो कर सकते हो। अब उसने लास्ट में एक ही सवाल पूछा कि अगर तुमको मुझ पर इतना विश्वास है, तो क्या कोई इसमें से अपना बच्चा मेरी गोद में देना चाहेगा कि मैं आपके बच्चे को मेरी गोद में, या एक कपड़े पे मेरी पीठ पे लटका के फिर मैं जाऊंगा और आऊंगा? अभी आपको क्या लगता है लोगों ने क्या बोला? क्या हो गया? अभी तक तो वाहवाही चल रही थी, अभी तक तो शाबाशी चल रही थी, यार तुम तो कर लोगे, तुम तो बढ़िया हो, तुम्हें तो एक्सपर्टाइज है, तुम तो फलाने हो, तुमको ढिंके हो, सब बातें हो रही थी। लेकिन जैसे ही, इसका मतलब क्या है पता है, जब रिस्क दूसरों पे होता है ना, तो लोग वाहवाही बहुत करते हैं, लेकिन जब रिस्क खुद के गले में आता है ना, तो लोग निकल लेते हैं। तो जो लोग निकल लिए है ना, उनके लिए आप समझ लेना कि वो काबिल नहीं है रिस्क लेके आपके साथ जुड़ने के, समझ रहे हो? तो लोग, जब आप रिस्क लेंगे ना, वो क्या, एक कहावत मैंने सुनी थी कि लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन खुद के घर में नहीं, समझ रहे हो? भगत सिंह जैसे लोग पैदा हो, लेकिन दूसरों के घर में हो, रिस्क दूसरों के घर में होनी चाहिए, मरे कोई और शहीदी कोई और करे, आजादी मुझे मिले, उस तरीके के लोग जब मिलते हैं, तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग आप पे विश्वास नहीं कर सकते ना, उस लोग की शायद आपको जरूरत भी नहीं है, राइट? तो आपको इस स्टोरी के माध्यम से पता होगा, और आपको लास्ट में बताता हूं कि जैसा विश्वास जो है, ऐसा विश्वास रखना है आपको जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया है, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है, राइट? जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया, उनके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि वो बंदा इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनेगा और आपको भी सक्सेसफुल बनाएगा। आपको टीम विक्ट्री ग्लोबल के ऊपर ट्रस्ट है कि टीम विक्ट्री ग्लोबल लोगों को सक्सेसफुल बना रही है तो बना रही है। आपको हमारे लीडर SB नागोरी सर पे, जिग्नेश भाई पे, और नागेश्वर शुक्ला सबके ऊपर ट्रस्ट है, इन्हें जी के ऊपर ट्रस्ट है। सिर्फ एक आदमी पे आपको ट्रस्ट करना है, और वो है खुद पे। और जब आप खुद पे भी ट्रस्ट करना चालू कर देंगे, तो आपका भी ग्रोथ ऐसा होगा जैसा हमारा हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने इतने शांति से सुना, आपको अच्छा लगा होगा, तो आप चैट बॉक्स में कुछ भी अप्रिशिएशन कर सकते हैं,
और वो आपके लिए होगा, क्योंकि जो अप्रिसिएशन आप करेंगे वो रिफ्लेक्शन आपको ही आएगा। थैंक यू वेरी मच जी। जिग्नेश सर,